नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हरियाणा की एक बहुत ही बढ़िया राहत देने वाली सुखद अपडेट के साथ, वो ये कि प्रदेश में पहली बार रिकवरी रेट 83% के पार जा पहुंचा, जहां पर हम आपको अगले 5 मिनट में बताएंगे हरियाणा के 22 जिलों की कोरोना की पूरी रिपोर्ट, हाल बताएंगे कहाँ पर कितने केस मिले और कितने हैं एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना को मात देने वालों की लगातार बढ़ रही तादाद से रिकवरी रेट रिकॉर्ड तौर स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पॉजिटिव रेट पर मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों के भीतर हरियाणा में 734 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं, जिससे रिकवरी रेट 83% के करीब पहुँच गया है। इसके साथ ही 752 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 38,500 के पार पहुंच गई है। वहीं 7 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है, जबकि 140 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 115 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 25 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बुधवार को संक्रमितों की संख्या 38,548 पर पहुंच गई है, जबकि 31,960 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। अभी भी हरियाणा में 6,133 मरीज उपचाराधीन है। प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 169 पॉजिटिव केस मिले हैं, पानीपत में 74, अंबाला में 68, गुरुग्राम में 68, रेवाड़ी में 45, नारनौल में 35, सिरसा में 33, सोनीपत में 32, पलवल यमुनानगर में 23, चरखी दादरी में 22, फतेहाबाद में 20, पंचकुला में 19, करनाल में 16, हिसार में 15, कैथल में 10, कुरुक्षेत्र में 9, झज्जर में 8, नूह में 7 और जींद में 5, जबकि भिवानी में 4 कोरोना के संक्रमित केस मिले हैं। अब जिक्र करते हैं ठीक होने वालों का। इसके साथ ही फरीदाबाद में 169 लोग ठीक हुए हैं, गुरुग्राम करनाल से 95 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, पानीपत से 81, अंबाला से 63, पानीपत से 47, पंचकुला से 46, कुरुक्षेत्र से 27, पलवल में 21, हिसार में 20, झज्जर में 13, सिरसा से 11, चरखी दादरी रोहतक नूह से 10, नारनौल भिवानी फतेहाबाद से 4 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो फरीदाबाद से 2, गुरुग्राम करनाल झज्जर पंचकुला कुरुक्षेत्र से 1-1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं अब जिक्र कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्धों के सैंपल लेने का आंकड़ा 6,83,500 पर पहुंच गया है, जिनमें से 6,39,335 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,617 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट भी 5.69% पर पहुंच गया, रिकवरी रेट 82.91% पर है, जबकि मामलों के दुगने होने की अवधि 26 दिन पर पहुंच गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 455 मरीजों की मौत हुई है, इनमें से 323 पुरुष तो 132 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद से 137 लोगों की मौत हुई है। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा के 22 जिलों में से सबसे कम उपचाराधीन यानी कि एक्टिव सक्रिय केस किस जिले में है। सबसे कम केस हम अगर जिक्र करें तो वो केस है भिवानी जिले में, जहां पर 40 लोग अब सिर्फ रह गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। 51 केस नूह में रह गए हैं, 86 केस कैथल में है, जबकि चरखी दादरी में 69 और इसके साथ ही उसके बाद अगर कम केस की बात करें तो 83 केस झज्जर में है। वहीं पर 140 मरीजों का इलाज फतेहाबाद में चल रहा है, 137 का जींद में, 140 का 216 का कुरुक्षेत्रा में, 181 का महेंद्रगढ़ में, 171 का पलवल में और सबसे ज़्यादा 968 फरीदाबाद में है। तो वहीं पर अब हरियाणा में अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो जो 82.91% पर पहुंच गया, ये हरियाणा के लिए बहुत ही बढ़िया एक राहत देने वाली खबर है। तो आपने ये इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क रखना आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हरियाणा में कोरोना से जंग अभी जारी है और हम सबको इस जंग को जीतने के लिए सबसे ज़रूरत है कि हम भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क रखें और अपने मित्रों दोस्तों का रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें और हम सबके लिए कामना करते हैं कि हरियाणा जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो जाए। हालांकि पिछले हम एक सप्ताह से इस बात को नोट कर रहे हैं, लगातार हम आपको बुलेटिन के मुताबिक बताते हैं कि किस तरीके से हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार स्थिर है। पिछले लगभग 2 सप्ताह से हरियाणा के रिकवरी रेट में अच्छा सुधार हो रहा है। ये सही मायनों में इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि कोरोना भी अपने उस आंकड़े पर स्थिर है कि रोज़ाना 700 के आसपास या फिर 600 के आसपास केस आ रहे हैं, लेकिन
ठीक होने वालों की रफ्तार बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आप सबका दिन शुभ रहे और आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।